अभी 2 मिनट तो गया हूँ मैं अंदर। हाँ हाँ कब ले गए? 5 मिनट तो अंदर गया हूँ। तो आता तो मैं यहाँ पे हूँ थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब उठते हुए आता हूँ, सोचता हूँ कि थोड़ा देर मैं स्ट्रेच कर लूँ या फिर हल्का फुल्का वर्कआउट कर लूँ। पर यहाँ आते ही योगा मैट पे लेटते मेरे को सोने का मन कर जाता है, पर एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। तो अपना छोटा सा 15-20 मिनट का वर्कआउट हो चुका है, उसके बाद थोड़ा मैंने ग्रूव किया क्योंकि आदतें जाती नहीं है ना, पुरानी आदतें वो रह जाती हैं, म्यूज़िक सुन के थोड़ा हिलना पड़ता है और थोड़ा स्वेट निकलना ज़रूरी है, थोड़ा हार्ट रेट ऊपर नीचे होना ज़रूरी है, मतलब घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा जिससे कि मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए स्टार्टिंग में उठते ही मैं थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी परेशानी हो जाती है मैं क्योंकि आते ही मेरा सोने का मन करता है, नींद आते, पर उससे हम डील कर ही लेते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं एक नया ब्लॉग। तो बजे रहे सुबह के 11:30, तो हम अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं दिन का, जो ब्रश करने के बाद हम करते हैं, वो है हमारा प्रोटीन को पीना। अब प्रोटीन पीने के और ब्रश करने के बीच में एक और चीज़ आ चुकी है जो है वर्कआउट, जो थोड़ा मोटा मैं करता हूँ उठने के बाद। तो उसके बाद फिर बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए हम वे प्रोटीन का सहारा लेंगे, पर इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि जो हमारा वे प्रोटीन है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमको फटाफट जाके दोबारा से दूसरा एक वे प्रोटीन लाना पड़ेगा। तो मैं जो वे प्रोटीन है मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता था, पर ऑनलाइन ऑर्डर करने का टाइम नहीं बचा क्योंकि वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो आज के लिए भी मेरे पास, मतलब शाम को अगर मैं प्रोटीन लूँ या कल मैं प्रोटीन लूँ, तो उसके लिए मेरे पास प्रोटीन नहीं है, तो हमको फटाफट जाके स्टोर से ही प्रोटीन लाना पड़ेगा। तो हम वही जाएंगे जहाँ हम पिछली बार गए थे। धूप निकल गई यार, धूप निकल गई, अभी तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था। अच्छा, अपने गाज़ियाबाद में होता है, कल यहाँ दिल्ली में बारिश हुई थी पर गाज़ियाबाद में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। ट्रैफिक 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 इज बैक। हम चढ़ाएंगे ऊपर, जाएंगे नीचे, टू व्हीलर का फायदा उठाएंगे हम जितना उठा सकते हैं। यार पुराना वाला बिल पता नहीं पड़ा होगा कि नहीं, ये रहा। यस, तो यहां तक का जो ब्लॉग था वो था पूरी तरह प्लांट। हमने पहले ही प्लान किया था कि हम जाएंगे प्रोटीन खरीदेंगे क्योंकि प्रोटीन खत्म हो गया, और उसको लेके फटाफट आप जाएंगे। और भी एक दो चीज़ें जो प्लान की थी वो तो खैर अब नहीं हो पाई, तो उसके बाद मैंने अपना प्रोटीन उठाया। थैंक यू, वहाँ से निकल लिया अपनी स्कूटी की तरफ। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी थी, मैंने देखा वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक भी व्हीकल वहाँ पे नहीं खड़ा। तो और मेरी पहली बार फटी, सबसे पहली बार फटी, तो मैंने फटाफट चेक किया कि मेरी जो चाबी है वो कहाँ है, स्कूटी की कीज़ कहाँ पे है। तो मैंने देखा मेरी जेब में कीज़ नहीं है, मेरी फटी। मैंने कहा अगर कीज़ नहीं है मतलब चोरी हुई, पर मुझे रियलाइज़ याद आया कि मैं अंदर तो कीज़ लेके गया था। तो मैं फटाफट वापस गया स्टोर पे और मैंने देखा वहाँ पर मेरी कीज़ पड़ी हुई थी, मैंने कीज़ उठाई। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि चोरी तो नहीं हुई क्योंकि दिन दहाड़े तो वहाँ पर चोरी हुई क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग भी थे। तो फिर मैंने वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछा,
टो करके ले गए क्या? अभी 2 मिनट तो गया हूँ मैं अंदर। हाँ हाँ, कब ले गए? 5 मिनट तो अंदर गया हूँ। मतलब किसी की किस्मत इतनी कैसे खराब हो सकती है? मतलब मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मतलब मैं मानता हूँ मेरी गलती कि मैंने पार्किंग में स्कूटी नहीं खड़ी की, पर मैं सिर्फ 2 मिनट क्या, ऑलमोस्ट मुझे 5 मिनट लगे, 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट मुझे लगे हुए जिसमें अंदर जाके अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ, और इतने में टो कर ली। मतलब बेसिकली मतलब वो लोग वेट कर रहे थे कब ये स्कूटी अपनी यहाँ पे छोड़ के जाए और मैं फटाफट इसकी स्कूटी टो कर लूँ। मतलब सही में लिटरली 5 मिनट के अंदर मैं अंदर से बाहर आया और मेरी स्कूटी टोच गायब। मतलब उसमें प्रोसेस में भी लगे होंगे ना 2 मिनट उठा के लगाने में, वो भी नहीं, उतने में स्कूटी गायब। हद होती है भाई किसी चीज़ की। मतलब मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई। मतलब ना तुम कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हो, ना तुम कोई नोट छोड़ के जा रहे हो। मतलब आदमी बंदा आया, उसने देखा कि मैंने यहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, गायब हो गई। मतलब चोर भी ऐसे करता है, गायब करके छोड़ देता है, पुलिस वाले भी ऐसे ही अपना लेके सामान ऐसे छोड़ दिया। मैं वहाँ पे अपना प्रोटीन वोटीन जो भी डब्बा वब्बा और हेलमेट वेलमेट सब हाथ में लेके घूम रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? खैर फिर एक वहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बोला कि कितने कहाँ गए? अबे यार यहीं तो खड़ी करी थी। मतलब ये तो एटलीस्ट बताना चाहिए ना कि कहाँ पे, अगर आपकी स्कूटी टो के जा रही है तो आपको कहाँ पे उसको लेने आना है, या फिर क्या प्रोसेस है, या फिर कहाँ पे आपको चलान सबमिट करना है। मतलब सब कुछ मतलब ले गए उठा के भगवान भरोसे छोड़ जाओ। उसका जो भैया थे उन्होंने बता रही भैया हाथ पे तो रोज उतर रहता है, आप जाइए आगे बैठ जाओ। रोज होता है क्या? रोज होता है क्या? हाँ अभी तो रास्ते में होंगे मुझे लग रहा है। अभी तो 2 मिनट के लिए अंदर गया, 2 मिनट में खाली भाई। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, वो लिटरली मेरे सामने मेरी स्कूटी अनलोड कर रहे थे। मतलब मैं उससे आया हूँ ग्रामीण सेवा, उसने 10 जगह उस सवारी बिठाने के लिए ग्रामीण सेवा रोकी, और फिर भी मैं उस टाइम तक पहुँच गया। स्कूटी इसका नंबर वंबर सब उतार दिया और कहाँ से तोड़ी है और तो सब ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कितनी देर के इंटरवल में उन्होंने उठा के और ले गए। और फिर वहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो परेशान बेचारे घूम रहे। खैर मतलब गलती तो होगी, समझ में आती है, पर मतलब सबको ऐसी फीलिंग आती है कि चोरी हो गई भाई, छोड़ना चाहिए ना, कुछ तो बताना चाहिए ना कि आपका सामान चोर हुआ, कॉल टेक्स्ट मैसेज नोट फलाना निमकाना कुछ तो होना चाहिए। नहीं पता लगाओ अपने आप, जादूगरी चल रही है। ये इनका स्टेशन है भाई साहब, अभी लाया मुझे लग रहा है 8-2 गाड़ी स्क्रीन से उठा के, 2 मिनट रुकते नहीं है। तो फिर काफ़ी देर तक वहाँ पे टोइंग सर्विस वाले बंदों के साथ संघर्ष करने के बाद कि भाई तू क्यों उठा के, उनको खरी खोटी सुनाने के बाद, उनको गालियाँ बकने के बाद उनके मुंह पे कि भाई ये कैसे कर सकता है ये, उसको मैंने 10 रूल बताए कि आपको ये करना चाहिए होगा। तो फिर वो उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ कही कि जाके आपको रूल्स की बात करनी है तो जाके ऑफिसर से बात कीजिए, और ऑफिसर के बाद जाके चलान भरी। तो कोई कुछ फ़ायदा ही नहीं है, मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहता है, सिंपल सी बात ही है। हम गए पुलिस ट्रैफिक पुलिस के पास, फिर उनको वो मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भैया ने कहा था कि जाके रिक्वेस्ट करके देख लो, शायद आपकी रिक्वेस्ट सुन लें, वैसे सुनते तो नहीं है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, एक तो सुनने को तैयार ही नहीं थे कि कुछ नहीं बस दीजिए अपना DL दीजिए, अपनी RC दीजिए और चलान कटाइए और चाहिए। फिर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर आए, उन्होंने उसी बात को घुमा के थोड़ा किया, और पता नहीं कैसे हम कन्विंस हो गए कि हम चलान भर देते हैं। तो उन्होंने हमारे सामने रखी 2 स्कीम, एक स्कीम तो आप सीधा सीधा कैश चलान की पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप 200 रुपये जो टोइंग सर्विस के पैसे हैं वो भी दीजिए और बाकी का चलान आप ऑनलाइन भर दीजिए, शायद शायद ऑनलाइन आपका चलान थोड़ा कम आ जाए। तो फिर मैं अंदर गया और हाथ में मेरे GoPro था, तो GoPro को देख के मैंने तो रिकॉर्डिंग खैर चालू कर दी थी, तो जो वहाँ पे दूसरे पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने भी अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मतलब उनको लगा कि ये कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। मन तो मेरा ये है कि फिर मैंने तो अपना खैर कैमरा बंद कर, मन तो मेरा है अंकल जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना मुझे दे देना, मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा। खैर पर मैंने कहा नहीं, पर मन तो बात कर रहा था। कट गया चलान, आगे मजे। ये देखिए ये
एक तो 200 रुपये का भी वर्चुअल चालान ये कटा है जो मैंने दिया है, उसके बाद अब 500 रुपये का ऑनलाइन पे करना है, क्योंकि हमारे पास इतना कैश तो था नहीं कि हम सारा दे पाएँ, क्योंकि हमने ये सामान लिया है, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो जब वो मेरा चालान काट रहे थे तो मेरा रोना गाना तो चालू था। मैं परेशान था कि अरे यार क्या फर्जी का खर्चा हो गया, बेवजह खर्चा हो गया। तो वो पुलिस वाले भैया कहते कि अरे तुम बाइक वाइक के चक्कर में बाइकों का शौक तुमने पाला, तो ये तो बहुत छोटा खर्चा है, इससे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तो मैं कह रहा मैंने भाई अगर हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ छोटा खर्चा, तो सारे पैसे तुम्हें दे दूँ क्या? स्कूटी में इतना खर्चा हो रहा है इसलिए तो अजीब लगता है, अगर बड़ी ऐसी बाइक हो उसमें खर्चा हो रहा है तो फिर तो इतना बुरा लगता भी नहीं है। एक तो स्कूटी है ही है, उसमें उसकी वजह से चालान कटवाते फिर रहे हैं। हो मस्त बढ़िया सी बाइक, उसके पीछे चालान कटा है तो मज़ा भी है। तो जैसे वे चालान वाला कट गया तो उसके बाद जैसे मुझे स्लिप दे, तो मेरे मुंह से निकल गया थैंक यू। एक तो पता नहीं कैसा सोच में, कैसा तो मैं हूँ, पता नहीं क्यों मेरे थैंक यू, बस सरकास्टिकली भी नहीं, जेनुअनली मेरे मुंह से थैंक यू निकल गया कि वाह वाह क्या आपने मेरी हेल्प करी है। पकड़ा गया, वो कहते हैं अरे बेटा बेटा आपके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा संस्कार का क्या अचार डालूँ, चालान तो उन्होंने काट गया, संस्कार इतने अच्छे लग रहे तो चालान मत काटते। एक बार को तो मन किया मेरा कि मैं स्कूटी लेकर ना भाग जाऊँ, ना चालान कटे ना कुछ होगा, पर क्या करें संस्कार इतने अच्छे हैं ना हमारे, भाग ही नहीं सकते। क्या करें यार, मतलब सारे रूल्स फॉलो करते हो तुम, चलते हो, और फिर एक पार्किंग जो 2 मिनट की सिर्फ पार्किंग की वजह से आपका चालान कट जाता है, क्या ही बोलूँ मैं बस क्या ही बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलूँ मैं। मेरा दिमाग, मैं वहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था परेशान, बस बेवजह खर्चा है, बेवजह का खर्चा, बिल्कुल बे बे बेवजह का खर्चा। पहले तो मेरा मूड बहुत ख़राब था, पर अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया तो मैं इससे हो गया, हो गया ठीक है, कट गया। पर मेरे को ना जब चालान कटना ना, मुझे सबसे बेकार का मतलब फाइन, मतलब लगता है कि कुछ तुमने पैसे दिए और तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, बेसिकली बस कट गया, समझ गया ना, कट गया, समझ जाओ बिलिंग मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कट गया चालान वाला तो मेरे कट गया। फिर मैंने उनसे जेनुअनली कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपने मतलब पहले बताना चाहिए कि आपकी गाड़ी टो हो रही है, या फिर कुछ तो अनाउंसमेंट करनी चाहिए, या फिर बाद में कुछ नोट वो छोड़ के जाना। तो फिर उन्होंने वही मुझे एक्सप्लेनेशन दिया बेकार सा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सबको बताएंगे तो क्या करें। बस प्रॉब्लम पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ये है कि हमको लॉ की इतनी जानकारी है, इतनी पढ़ाई हमने लॉ की, नहीं तो हमको पता नहीं होता कि कब किस टाइम पे कैसे हम लॉस के साथ डील कर सकते हैं। और बस इसी जो कम नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है, इसकी वजह से चालान कट जाते हैं। पर खैर फिर मैं घर आ गया और अपना प्रोटीन वोटीन तो मैं ले आया, प्रोटीन इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेता। एक ये जो फ्री का माल, ये फ्री के माल के चक्कर में जो हम मैं गया था स्टोर पे, उसके चक्कर में उतना जितना फ्री का माल नहीं उससे ज़्यादा का पैसा बर्बाद हो गया। खैर ये सब तो चलता रहता है। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा। इतना कटता है ना मेरे वीडियोस में, आधे ब्लॉग्स आराम तो मैं यही रख सकता हूँ कि फिर से कट गया, कट गया, कट गया, पार्ट 2, 1, 3, 4, 5, 6। मेरे दोस्त भी ब्लॉग देख के मजाक बनाएंगे, भाई फिर कट गया तेरा। खैर चलिए इस ब्लॉग को ये कहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में समझदार न्यू कॉन्टेंट, कॉन्टेंट ज़बरदस्ती कॉन्टेंट नहीं चाहिए भाई, चालान कटवा के कंटेंट नहीं बनाना हमें। तो आई टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लिविंग, एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट बट एनीबडी एल्स वांट यू टू बी। पीस। दिमाग का दही हो गया यार, हद 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 हद, 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 हद.